मॉडर्न लाइफ में फिजियोथेरेपी बहुत ही कॉमन होती जा रही है, क्योंकि ये लोगों के मूवमेंट्स और क्रोनिक कंडीशंस को सुधारने में मदद करती है। नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमन दामिर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अमन सरकारी कर्मचारियों, IAS, IPS और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पर्सनल थेरेपिस्ट रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने आर्मी और एयरफोर्स में भी अपना योगदान दिया है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने 20,000 से अधिक लोगों को फिजियोथेरेपी से सही किया है, जिसके बाद 8,000 से अधिक लोगों को स्पाइन सर्जरी से भी बचाया है। तो थैंक यू वेरी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स, लाइक स्पाइनल में कौन कौन से टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं? स्पाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अगर हम कॉमनली अगर बात करें, जो कॉमन आजकल हमें देखने को मिलता है, दैट इज स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क इज द मोस्ट कॉमन थिंग। उसके अलावा आपका नर्व कंप्रेशन होता है, शाटिका होता है, आपका स्पॉन्डिलाइटिस है, माइग्रेन है। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम लोगों को लगता है कि ये स्पाइन से नहीं है, बट वो एक्चुअली स्पाइन की प्रॉब्लम होती है। लाइक शाटिका लोग सोचते हैं टांग में दर्द, बट दैट कम्स फ्रॉम द माइग्रेन स्पाइन। भी? माइग्रेन कम्स फ्रॉम द स्पाइन। अगर हम फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक इन दो को कंबाइन करके बात करें, तो ईच एंड एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी दैट इज कंट्रोल्ड बाय अवर ब्रेन, और ब्रेन और बॉडी के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज स्पाइन। स्पाइन में गड़बड़ होगी, आपकी बॉडी में गड़बड़ होगी। यू फिक्स योर स्पाइन, कीप योर स्पाइन हेल्दी, आपके नर्व सारी कंट्रोल्ड रहेंगी, सही से काम करेंगी, यू विल बी एब्सोल्युटली ऑल राइट। कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। एक टाइम था जब हम पेशेंट्स आते थे कि ये प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है। अब पेशेंट आते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पहले चेक कर लो कि कल को कोई प्रॉब्लम आ ना जाए। तो दिस इज हाउ द इवोल्यूशन ऑफ फिजियोथेरेपी हैज बिकम।